बीजेपी अध्यक्ष शरद पवार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा नेता और राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से उनके सेवानिवृत्त होने के फैसले पर उनकी प्रतिक्रिया पूछने पर फडणवीस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि शरद पवार का निजी और राकंपा का यह आंतरिक मामला है। इस समय इस बारे में अधिक बात करना उचित नहीं होगा। अंत में शरद पवार एक वरिष्ठ नेता है, उनकी पार्टी में इसको लेकर काफी मंथन चल रहा है। एक बार सटीक स्थिति सामने आने के बाद बात करना उचित होगा, ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने कहा। मुझे नहीं लगता कि इस स्तर पर इसके बारे में बात करना उचित है, यह उनका निजी सवाल है, यह NCP का तकनीकी मसला है। पता नहीं पार्टी किस दिशा में जा रही है, अब बात करना ठीक नहीं लगता। हम घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है और राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक आंतरिक मामला है और इस समय उसके ऊपर चर्चाएं भी चल रही है, मंथन भी चल रहा है और पार्टी किस निर्णय तक जा रही है इस बारे में हमें कोई अंदेशा भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर अभी बात करना ये बहुत प्रीमैच्योर होगा, इसलिए मैं अभी इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम परिस्थिति पर नज़र रख के हैं, उचित समय पर इस पर बोलेंगे। इसीलिए तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने राह देखनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्या होने वाला है। ये सारी चीज़ें जब तय होगी उसके बाद ही इसके ऊपर हम कमेंट देंगे। पवार साहेबांचं पुस्तक मी वाचलेलं नाही, त्यामुळे त्याच्यावर मी आत्ता बोलणार नाही, पण मलाही एक पुस्तक लिहायचं आहे, ते योग्य वेळी मी लिहिणार आहे। त्यामुळे नेमकं त्यांनी काय म्हटलं आहे, नेमकं मला काय वाटतं आहे, नेमकं सत्य काय आहे, अशा ज्या अनेक गोष्टी आहेत त्या ज्यावेळेस मी पुस्तक लिहिल त्यातनं तुम्हाला निश्चित कळतील। हम सही समय आने पर ही प्रतिक्रिया देंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, जब ये सारी बातें सामने आएगी तो इस पर बात करना हमारे लिए उचित होगा। मैंने शरद पवार की किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं भी एक किताब लिखना चाहता हूँ। मैं इसमें सही चीजें लिखूंगा, इसलिए मैं वही किताब में लिखूंगा जो वास्तव में हुआ था, ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने कहा। NBC News के लिए राजकुमार मोहोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।